Hello everyone. In this session, we are going to discuss about the next chapter, chapter number 7, which is plant growth and mineral nutrition. Again, this chapter is very simple, I would say. Only one point you all have to learn in terms of board preparation for this academic year 2021. But then, usme se bhi aapko kahan kahan focus karna hai, wo aaj hum discuss karenge. So again, jaise hum hamesha har video mein karte hain, ye jo chapter hai, So now see, plant growth and mineral nutrition जो है अगेन विदाउट ऑप्शन 5 मार्क्स का है. मतलब आपको 5 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन लिख के आने हैं एग्जाम में, बोर्ड के पेपर में, और विद ऑप्शन 7 है. सो देखा जाए तो काफी एक 5 मार्क यहाँ इस चैप्टर से अर्न करना बहुत सिंपल है, बिकॉज अगेन इस चैप्टर से बहुत सारे पॉइंट्स डिलीट हो चुके हैं. तो क्विकली हम पहले रिलेटेड पॉइंट्स समझ लेते हैं एंड उसके बाद आपको कौन से पॉइंट्स करने हैं वो हम डिस्कस करते हैं. Now first we'll discuss about the deleted portion from this chapter. So here I have already mentioned the deleted part from this chapter. आप देख सकते हो 7.1 से लेके 7.13 तक आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, right? So इस chapter में से देखिए, आप अगर थोड़ा observe करते हो तो 7.1 is a plant growth जो कि नहीं करना है. उसके बाद 7.2 phases of growth वो भी नहीं पढ़ना है. 7.3 conditions of growth, 7.4 growth rates and types of growth, मतलब all related with growth नहीं पढ़ना है. फिर उसके बाद growth curve भी नहीं पढ़ना है. देखिए plant growth chapter पढ़ रहे हो, growth curve भी नहीं पढ़ना है. फिर उसके बाद differentiation, de-differentiation, re-differentiation concept है ये, आप देख सकते हो नीट के लिए भी important है. डेवलपमेंट नहीं पढ़ेंगे, प्लास्टिसिटी नहीं पढ़ेंगे, फोटो पीरियडिज्म. सोचो गाइज, ये बहुत ये चैप्टर का मतलब वो बोल सकते हो फोटो पीरियडिज्म, मतलब इट्स अ हार्ट ऑफ द चैप्टर, वो भी नहीं आपको पढ़ना है. वर्नलाइजेशन एंड दीज टू टॉपिक्स फ्रॉम दी मिनरल न्यूट्रिशन जो नहीं पढ़ना है, मिनरल न्यूट्रिशन एंड नाइट्रोजन साइकिल. सो देखा जाए तो ये इतने सारे पॉइंट्स आपको निग्लेक्ट करने हैं, इतने सारे पॉइंट्स आपको इग्नोर करने हैं, बट यहाँ एक चीज मिसिंग है. सेवन देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो है ना वो आपको पढ़ना है, विच इज 7.9. 7.9 जो है आप देख सकते हो बुक में. सो आपको जो पॉइंट पढ़ना है विच इज 7.9, ये चीज आपको पढ़नी है फॉर द 5 मार्क्स, राइट. नाउ ग्रोथ हार्मोन को हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी बोलते हैं, पीजीआर जिसको बोलते हैं, ये भी नीट में इंपॉर्टेंट है. एंड उसके साथ साथ आपको इसमें से क्या चीजें पढ़नी है वो मैं आपको समझा देती हूँ. देखिए, इसमें से सबसे पहले आपको ये पढ़ना है कि देयर आर 5 हार्मोन्स, राइट. 5 हार्मोन दिए हुए हैं बुक में, उसमें से कौन से प्लांट ग्रोथ की रेगुलेट करता है और कौन सी प्लांट ग्रोथ इनहिबिट करता है. पहले तो एक चार्ट बना लीजिए जो कि मैं आपको यहाँ बना के देती हूँ इन शॉर्ट अभी. नाउ सी, हियर यू ऑल हैव टू लर्न ओनली 7.9 फ्रॉम दिस चैप्टर, राइट. तो कौन सा है वो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं उसको, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स बोलते हैं, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स बोलते हैं, राइट. सो बेसिकली आपकी बुक में दे हैव गिवन द 5 हार्मोन्स, ठीक है, ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड. अभी ये ऐसा चार्ट मैंने यहाँ बनाया है, ये आपको आपके नोटबुक एक पेज पे प्रिपेयर करना है और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक है वो उसी के नीचे लिख के जहां आप बैठते हो पढ़ाई के लिए वहां स्टिक करके रखिए, सो दैट आप आते जाते जस्ट कीप ऑन रीडिंग, सो दैट आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगा. ये एक बार रीड करने से याद नहीं रहेगा, ठीक है, बट हमें 5 मार्क्स तो लाने हैं और वो भी एक ही पॉइंट पढ़ के लाने हैं. सो आप देख सकते हो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. नाउ सी, क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ, रादर देन बस पैराग्राफ की पैराग्राफ पढ़ने से अच्छा है हम चीजों को समझ के हाईलाइट करके ब्रेक करके पढ़ेंगे. जैसे अभी सबसे पहले आप बुक अगर खोलोगे, ग्रोथ हार्मोन देखोगे, तो पहला पॉइंट है कि हार्मोन का डेफिनेशन क्या है. हार्मोन सबसे पहले ये टर्म किसने कॉइन किया था, तो साइंटिस्ट का क्वेश्चन है, साइंटिस्ट के नेम पे क्वेश्चन 1 मार्क के लिए आ सकता है या फिर एमसीक्यू के लिए हो सकता है, राइट. सो हम ये चांसेस रूल आउट नहीं कर सकते हैं. सो देखिए, टर्म हार्मोन वाज कॉइन बाय, ठीक है. फिर उसके बाद डेफिनेशन ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन, वंस यू एबल टू अंडरस्टैंड द हार्मोन देन फिर उसके बाद आपको हार्मोन्स के नाम पढ़ने हैं. लेकिन ये 5 हार्मोन में से कुछ हार्मोन्स प्लांट ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं और कुछ हार्मोन्स हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ इनहिबिट करते हैं, स्टॉप करते हैं. सो आपको इन 5ों में से पहले तो अंडरस्टैंड करना है कौन से रेगुलेटर्स हैं और कौन से इनहिबिटर है. तो ये जो है ना, ये रेगुलेटर्स हैं, मतलब दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी, यू कैन से, रेगुलेशन ऑफ प्लांट ग्रोथ. एंड ये दोनों जो है ये इनडिरेक्टली इनहिबिटर्स है, बट ये इनहिबिटर है, ये फ्रूट जो हम
फ्रूट राइपनिंग में ये हेल्प करता है, मतलब इथिलीन जो है वो नेचुरली उस फ्रूट में प्रोड्यूस होता है। पहली बात तो आपको ये समझनी है। फिर उसके बाद चलो हमने प्रमोटर एंड इनहिबिटर को भी सॉर्ट आउट कर लिया यहाँ से। फिर उसके बाद हम पहले पढ़ेंगे ऑक्सिन, पहला हार्मोन दिया है ऑक्सिन, उसकी कुछ हिस्ट्री दी हुई है वहां। हिस्ट्री एक नॉलेज के लिए पढ़ लेना, मतलब हिस्ट्री एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में क्रिएट करेगा सो दैट आप उसका अच्छे से एप्लीकेशन एंड उसके इफेक्ट समझ सकते हो। देखिए कुछ टर्म्स दी है वहां, फुल फॉर्म्स, जितने भी फुल फॉर्म है ना सारे रीड कर लो, जैसे IAA इंडोल एसिटिक एसिड, फिर NAA ये भी दिया हुआ है ऑक्सिन के टर्म में, फिर कौन सा नेचुरली ऑप्टेन है और कौन सा आर्टिफिशियली ऑप्टेन है, ये भी क्वेश्चन 1 या 2 मार्क के लिए हो सकता है। सो बेसिकली फुल फॉर्म्स एंड नेचुरली ऑप्टेनिंग एंड सिंथेटिकली ऑप्टेनिंग ये भी आपको पता करना पड़ेगा। ये बस ऑक्सिन में है एंड सम सॉर्ट ऑफ साइटोकाइनिन में पढ़ना है ये चीजें, तो मैं यहाँ लिख के दे रही हूँ आपको, नेचुरली ऑकरिंग सिंथेटिकली ऑकरिंग। सो नेचुरल जो नेचुरली ऑकर होता है प्लांट पे उसका नाम क्या है, और जो आर्टिफिशियली और सिंथेटिकली हम उसको प्रिपेयर कर सकते हैं उसका नाम आपको देखना है यहां से। तो फुल फॉर्म्स सारे करने हैं, देखिए वो पैराग्राफ को ब्रेक करके पढ़ो, देन आपको बहुत इजी जाएगा और बर्डन भी फील नहीं होगा रीड करने का। फिर उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर अबाउट ईच हार्मोन, हर एक हार्मोन का एक स्पेशल यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एब्सिसिक एसिड, इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोला जाता है, जैसे हमें भी स्ट्रेस होता है वैसे प्लांट को भी स्ट्रेस होता है, राइट? मतलब जब प्लांट को स्ट्रेसफुल सिचुएशन से जाना पड़ता है तो वो एब्सिसिक एसिड उस टाइम में रोल प्ले करेगा। सो आपको पता होना चाहिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रेस हार्मोन, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। सो हर एक का दिया हुआ है, हर एक का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको याद रखना है, आप उसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट याद रखने में आपको एक बहुत हेल्प हो जाएगी, और फिर वो याद रखने से एप्लीकेशंस अपने आप आपके दिमाग में क्लिक होते जाएंगे, ठीक है? इसके अंडरस्टैंडिंग के साथ दूसरी चीज हमेशा जुड़ी हुई होती है बायो में। सो हर एक कैरेक्टर, जैसे अपाइकल डोमिनेंस दिया हुआ है, आपको 1 मार्क के लिए डिफाइन अपाइकल डोमिनेंस आ सकता है, राइट? सो बेसिकली स्पेशल कैरेक्टर्स हमको पढ़ने हैं, पढ़ना इतना ही है, बट मैं आपको ब्रेक करके यहाँ पॉइंट आउट करके दे रही हूँ कि कहाँ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशंस ये करना पड़ेगा, एप्लीकेशंस सबके करिए, बिकॉज 2 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए स्ट्रेट वे एप्लीकेशंस पूछने के चांसेस है। उसके बाद फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, एप्लीकेशंस करते करते इफेक्ट भी पढ़ लीजिए, इफेक्ट करते करते एप्लीकेशन पढ़ लीजिए, दोनों भी साथ साथ कर सकते हो। एंड उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1 मार्क के लिए या एमसीक्यू के लिए आपको साइंटिस्ट, कौन सा ग्रोथ हार्मोन कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है एंड एट द सेम टाइम कौन से ईयर में किया, वो हिस्ट्री का एक थोड़ा सा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में रखिए। सो देखा जाए तो ये चैप्टर बहुत ही इजी है, ओनली यू ऑल हैव टू लर्न ओनली 1 पॉइंट, 7.9 ग्रोथ हार्मोन। सो दैट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल गाइज, जस्ट लर्न दिस थिंग एंड ग्रैब 5 मार्क्स स्ट्रेट अवे। सो आपके फिजियोलॉजी से 25 मार्क्स लॉक हो चुके हैं, मैं आपको पहले ही बताया था इसके पहले वाले चैप्टर में, 25 मार्क्स बाय मतलब कुछ भी हो जाए आपको लेके आने हैं 25 मार्क्स, ओके? सो जैसे बोल रही हूँ वैसे नोट बनाइए एंड देन इफ यू प्रिपेयर दिस चैप्टर इन दिस फॉर्मेट देन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा इस चैप्टर को लर्न करने में एट द सेम टाइम उसको याद रखने में, राइट? ओके, फिर भी अगर कुछ डाउट आता है तो यू कैन ऑलवेज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। सी यू इन नेक्स्ट सेशन।